बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है गाइज? हम किसी भी अपनी छोटी सी बात को डिजिटली प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। जब हम ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक छोटा सा पार्ट है, जब हम इसमें प्रेजेंटेशन की विंडो को ओपन करते हैं फाइल को, तो मुझे इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में दिखाई देता है। इन्हें हम क्या कहते हैं गाइस? स्लाइड कहते हैं। जिसमें हम बहुत सारी स्लाइड्स बना सकते हैं, उसे प्रेजेंटेशन के रूप में शो कर सकते हैं अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाना कैसे है मुझे प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जब हम प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो टाइटल स्लाइड ओपन होती है। टाइटल स्लाइड में मैं यहाँ पे अपने टॉपिक का टाइटल लिख सकती हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, उसका सब टाइटल लिख सकती हूँ। लेकिन मुझे ये वाली स्लाइड यूज नहीं करनी है अपने प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले मैं होम पर क्लिक करूंगी, लेआउट पे जाऊंगी और इसके लेआउट को टाइटल स्लाइड से, देखिए टाइटल दिख रहा है, डायरेक्ट ब्लैंक स्लाइड में कन्वर्ट कर दूंगी। देखिए स्लाइड ब्लैंक हो गई। अब मैं यहाँ पे चाहूं तो इंसर्ट से या होम से ही टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रॉ कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ से कैसे दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स। आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, मैंने इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया। अब जैसे मुझे सपोज जबलपुर पे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया इस तरह से, वेलकम। फिर मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया यहाँ नीचे, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे टू। अब जैसे मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जबलपुर। तो इस तरह से मैंने तीन टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किए। अब मैं चाहूं तो शिफ्ट दबाते हुए तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को एक साथ सेलेक्ट कर सकती हूँ। फिर होम पे जाकर के मैं एक एक इन पॉइंट से इनका साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। इस तरह से इनका अलाइनमेंट मैं यहाँ से सेंटर कर सकती हूँ। यहाँ से इनका मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। मुझे जो भी दूसरे फॉन्ट में इनको लिखना है बड़े सुंदर से किसी फॉन्ट में, तो मैं वो सब लिख सकती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं इसमें। मुझे जो भी फॉन्ट लेना है मैं वो फॉन्ट इसमें यूज कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया फॉन्ट हमने जैसे कोई भी एक ले लिया, यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आप एक बार टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ड्राइंग टूल्स आता है, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाकर के आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए गाइस, आपको 3D चाहिए, विदाउट 3D चाहिए, इस तरह से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया। अब मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो मैं होम से जाऊंगी और यहाँ से इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दूंगी इस तरह से। तो इस तरह से जो है मैं अपने एक एक टेक्स्ट बॉक्स को सेट कर सकती हूँ। अब मैं न्यू स्लाइड पे चलती हूँ। अब मैं जब न्यू स्लाइड पे चलूंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड के बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। पहला है आपका टाइटल स्लाइड, इसमें आप टाइटल सेट कर सकते हैं। सेकंड है टाइटल एंड कंटेंट। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, आप देखिए, आप सोचोगे मेरी पहली स्लाइड गायब हो गई, तो नहीं है। आपका पेन रहता है, यहाँ से आप पहली स्लाइड देख सकते हैं, यहाँ से आप आपकी सेकेंड स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, टाइटल लिख सकते हैं और यहाँ पे उसका कंटेंट लिख सकते हैं। अब कंटेंट लिखने के लिए आप यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ कर्सर ले जा रही हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट टेबल, जब मैं यहाँ कर्सर ले जा रही हूँ तो इंसर्ट चार्ट ग्राफिक्स। मतलब आप अपने टाइटल और कंटेंट को जो है, आपका कंटेंट है, सपोज आपको डिपार्टमेंट्स लिखने हैं तो आप टेबल बना सकते हो, प्रोग्रेस दिखानी है तो आप चार्ट बना सकते हो। तो आप अपने कंटेंट को इनमें से कुछ यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ उसकी प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट की दिखाना चाहूं या अबाउट दिखाना चाहूं, तो मैं इस तरह से क्लिक करूंगी और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगी और टाइप करना शुरू करूंगी, ये पार्ट अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डेटा सेव करके रखा हुआ है इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके। मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको इस तरह से राइट क्लिक किया। आप लोग डायरेक्ट इंटरनेट से भी, वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसकी PDF बना के रखे हुए हैं, इसको कंट्रोल सी किया या राइट क्लिक करके कॉपी, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट करिए या कंट्रोल वी करिए, तब भी इस तरह से आ जाएगा। गाइज आप देख सकते हैं, है ना, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। एक बार और उसको अच्छे से सिलेक्ट करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से
पेस्ट हो जाएगा। मैं इसका फॉन्ट साइज वगैरह जो भी चेंज करना चाहूँ सेम वही प्रोसेस रहेगी कि मैं ऐसे इसके फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, सिंपल रखना चाहूँ तो सिंपल रख सकती हूँ, एरियल नैरो जो भी मुझे रखना है। इसके बारे में मुझे और भी कुछ लिखना है तो मैं और भी कुछ इस तरह से अपनी प्रोफाइल से जाकर के उसके बारे में लिख सकती हूँ। जैसे मुझे एट अ ग्लेंस लिखना है, इतना डेटा तो मैंने इतना सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया, यहाँ से मैंने एंटर किया पॉपुलेशन, ये मेरी लैंग्वेजेस हो गई है ना, और ये मेरा विलेज हो गया, और बस इस तरह से मेल्स कितने हैं, फिर फीमेल्स कितने हैं, तो इस तरह से ये मेरी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। फिर से मैं चलती हूँ न्यू स्लाइड पे। अब आप देख रहे हैं सेक्शन हेडर। अब जैसे मुझे पार्ट वन पार्ट टू कुछ शो कराना है तो मैं इस वाली स्लाइड का यूज करूंगी। अगर मैं टू कंटेंट वाली स्लाइड लेती हूँ गाइस, तो टू कंटेंट वाली स्लाइड में मैं सिर्फ कंटेंट लिख सकती हूँ, जैसे थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इसके लिए यूज होता है दो चीजों के बीच में कंपेयर बताने के लिए, और टू कंटेंट। ये दोनों स्लाइड सेम है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि इसमें यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल बॉक्स नहीं आता है, लेकिन जब आप ये वाली स्लाइड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे टाइटल बॉक्स आता है, सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर मुझे किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो मैं सिर्फ इस वाले पेन पे जाकर के उस स्लाइड पे क्लिक करूंगी और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊंगी तो वो स्लाइड जो है क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। देखिए अब मेरी दो ही स्लाइड है। मैं फिर से न्यू स्लाइड पे चलती हूँ। टाइटल ओनली अगर आप लेते हो तो आप टाइटल ले सकते हो, ब्लैंक ले सकते हो, एक तरफ पिक्चर लेनी है एक तरफ कैप्शन लेना है तो आप ये वाली स्लाइड लेआउट का यूज कर सकते हो। पिक्चर विथ कैप्शन चाहिए तो ये वाली, इसमें कंटेंट विथ कैप्शन आएगा, इसमें पिक्चर विथ कैप्शन आएगा, ये फर्क रहता है। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने वापस यही वाली स्लाइड ली या ब्लैंक स्लाइड ली, जैसे मैंने अब स्लाइड ले ली लेकिन मुझे चेंज करनी है तो मैं इसको यहाँ से टाइटल ओनली कर लूंगी तो ये मेरा टाइटल ओनली हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें सेव करके रखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल, ये हो गया, एक मिनट, जैसे मैंने टूरिस्ट प्लेसेस कुछ सेव करके ऑलरेडी रखे हुए हैं तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे सपोज मुझे भेड़ाघाट के बारे में लिखना है तो मैं इस तरह से भेड़ाघाट के बारे में भी लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया भेड़ाघाट, ये देखिए भेड़ाघाट डिस्ट्रिक्ट खुल गई। मैं चाहूँ तो इस डेटा को यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी पावर पॉइंट स्लाइड पे स्विच किया, ठीक है, और इस तरह से मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल वी। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स और ये सब अरेंज नहीं है तो मैं इसको इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर सकती हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लेती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है ना, और इसको जो मैं है यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए अभी जो भेड़ाघाट पड़े ये मेरी हेडिंग है तो मैं इसको सेंटर में ले आती हूँ। बोल्ड वगैरह जो भी मैं करना चाहूँ, उसका साइज बड़ा, उसका कलर वगैरह मुझे चेंज करना है, मैं सारी चीजें कर सकती हूँ। अब मुझे ये वाला अलाइनमेंट जो है ये सेंटर में चाहिए लेफ्ट में, तो मैंने इसको लेफ्ट कर दिया और इसको मैंने टैब दबा के आगे कर दिया। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, यदि मुझे इसकी इमेज लेनी है तो मैंने इमेजेस ऑलरेडी सेव करके रखी है। अगर आप नेट से निकालेंगे डायरेक्ट तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे भेड़ाघाट की इमेज है, आप इसको राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, कॉपी इमेज। देखिए 70% इमेजेस तो कॉपी हो जाती हैं, सिर्फ कुछ ही नहीं हो पाती है ना, तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, पेस्ट इमेज। तो अगर ये इमेज कॉपीराइट नहीं होगी तो ये यहाँ पेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ये इमेज कॉपीराइट होती तो ये पेस्ट नहीं होती। उस कंडीशन में हम क्या करते, उस इमेज को राइट क्लिक करते, कॉपी इमेज नहीं करते, सेव इमेज करते और अपने डेस्कटॉप पे पहले उसको सेव करते। फिर वो लानी कैसे वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस इमेज को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसका साइज जो है छोटा बड़ा कर लेते हैं, कॉर्नर से हम इसके साइज वगैरह को सेट कर सकते हैं इस तरह से। अब इस इमेज को आप पिक्चर टूल्स के फॉर्मेट पे जाकर के ये कब दिखेंगे गाइस, जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने इसको, इसका ये फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसमें ये पिक्चर में बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, 3D रोटेशन और ये सारे, आप जो भी इफेक्ट देना चाहें इस तरह से दे सकते हैं तो उसका लुक और खूबसूरत सा दिखता है, है ना। तो ये हो गई आपकी भेड़ाघाट की इमेज। इसी तरह से आप सारी इमेजेस बना सकते हैं। बार बार न्यू स्लाइड पे चले जाइए, टाइटल ओनली पे चले जाइए, कैप्शन वाले पे चले जाइए, जैसा भी आप बनाना चाहें। यदि आपको पिक्चर विद कैप्शन करना है, मतलब उसके बारे में लिखना है, उसकी हेडिंग और यहाँ पिक्चर है, तो देखिए मैंने यदि सेव इमेजेस करती हूँ किसी चीज की, जैसे मैं आगे चलती हूँ आपको नेक्स्ट इसका टूरिस्ट प्लेस दिखाती हूँ। टूरिस्ट प्लेसेस पे चल के
आप अभी देखिएगा इसमें टूरिस्ट प्लेसेस खुल जाएंगे। अब इन टूरिस्ट प्लेसेस में जैसे ये धुआंधार वाटरफॉल है, तो मैंने इस धुआंधार वाटरफॉल पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं धुआंधार वाटरफॉल लिखा रहा है। मैंने पहले इसके टाइटल को कॉपी किया, यहाँ टाइटल को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं वापस वहीं पे चलती हूँ, इसके मैटर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और इसके मैटर को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पिक्चर चाहिए गाइस, तो पिक्चर मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ, या तो मैं क्या करूंगी, यदि कॉपीराइट होगी तो मैं इसे सेव इमेज एज करूंगी और अपने डेस्कटॉप पे इसको धुआंधार नाम से सेव कर दूंगी, या जहां भी मैं सेव करना चाहूँ। जैसे मैंने इसको धुआंधार की इमेज है, तो मैंने इसको धुआंधार नाम से डेस्कटॉप पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे कैसे लेके आऊंगी, इंसर्ट पिक्चर पे जाऊंगी। मैंने इमेज कहाँ सेव की है मुझे वो पाथ देखना पड़ेगा, मुझे ये याद रखना पड़ेगा मैंने डेस्कटॉप पे की थी, किस नाम से की थी मुझे वो देखना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से वो इमेज ले लेती हूँ, ये देखिए। कहाँ गई इमेज, ये है वो मेरी इमेज, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से मैं दो तरीके से इमेज को अपने डॉक्यूमेंट्स में ला सकती हूँ, आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ से आप उसको सुंदर सा व्यू देना चाहें दे सकते हैं, इफेक्ट वगैरह आप यदि देना चाहें उसमें, बेवल रोटेशन आपको जो भी देना है सुंदर सा आप दे सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर आपको कैसा चाहिए, सबसे पहले पिक्चर का आप ये ले लीजिए और फिर पिक्चर का कलर बाद में लीजिएगा। इस तरह से आप देखिए हल्की सी रेड बॉर्डर आ गई। आप इसके येलो पॉइंट से इमेज को थोड़ा बहुत ऐसे अंदर बाहर सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, इमेज को हल्का सा रोटेट करना चाहें तो ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर तरीके से बना सकते हैं। फिर मैं चलती हूँ न्यू स्लाइड पे। सपोज मैंने फिर से यहाँ से ले ली टाइटल एंड, इस तरह से मैं पूरे टूरिस्ट प्लेसेस बना लूंगी। अब टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा जैसे अबाउट डिस्ट्रिक्ट मैंने ले लिया, अब मुझे कलेक्ट्रेट के बारे में कुछ लिखना है तो मेरे कलेक्ट्रेट में क्या क्या चीजें आती है मैं वो लिख सकती हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे मैं इसके होम पे चलती हूँ, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं क्लोज कर देती हूँ। चलिए यहाँ आते हैं। अब आप यहाँ देखिए, सपोज मुझे ये कलेक्ट्रेट की इमेज लेनी है, तो इस इमेज को लेने के लिए सबसे पहले मैं इस कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर को कर लेती हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसका लेआउट चेंज, टाइटल ओनली, और मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे उसकी इमेज चाहिए। तो इमेज लेने के दो तरीके हैं, या तो मैं इस इमेज को राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करूँ, कॉपी इमेज पेस्ट करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरी हेडिंग भी लिखी हुई है, तो उसके लिए मैं एक तरीका ये अपना सकती हूँ कि स्निपिंग टूल का यूज कर सकती हूँ। स्निपिंग टूल आप अपने स्टार्ट बटन से ला सकते हैं, सभी में रहता है। आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरह से देखिए आप इसको कट करेंगे, कट करने के बाद आप वापस यहाँ जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करना है आपको जेपीजी फाइल में, मैंने कलेक्टर नाम से सेव किया और डेस्कटॉप पे जैसे आप देख सकते हैं मेरी पहले से सेव थी, इसलिए वो रिप्लेस पूछ रहा है। वापस मैं यहाँ चलती हूँ। अब मैं कहाँ चलूंगी, इंसर्ट पे, पिक्चर पे, कहाँ सेव की है मैंने वो इमेज जो है, मैं यहाँ ऑल पिक्चर्स की जगह ऑल फाइल कर देती हूँ ताकि वो सारी दिख, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाती हूँ, कलेक्टर कहाँ गई, शायद फोल्डर के अंदर सेव हो गई है वो इमेज, एक मिनट। वापस चलते हैं इंसर्ट पिक्चर, ये देखिए ये मेरी ऑलरेडी इमेज सेव है, मैं यहाँ चलती हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट। तो देखिए ऐसा करने पे क्या हुआ, ये इमेज जो है पूरी इस तरह से आई है कि वो पूरा नाम, प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट सारी चीजें आई है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इसकी भी सेटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से, पिक्चर के इफेक्ट, 3D रोटेशन, आपको जो भी अप्लाई करना है इस पे आप इस तरह से कर सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर थोड़ा सा दिखता है, आपको जैसा भी सेट करना वो आपका रहेगा। तो इस तरह से अब मैं इसको यहाँ से छोटा कर देती हूँ, बहुत बड़ा है। और इसका जो है साइज वगैरह मैं कैसे सेट कर सकती हूँ गाइस, फॉर्मेट से जाकर के, मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर्मेट से जाकर के जो है अपन इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह जो भी लेना चाहे, अलाइनमेंट वगैरह जो भी लेना चाहे, इस तरह से आप होम से जाके सेंटर कर दीजिए। तो ये बन गया आपका। अब मैं फिर से चलती हूँ न्यू स्लाइड पे, फिर से चलती हूँ टाइटल एंड कंटेंट पे। देखिए देखते ही देखते मेरी 5 स्लाइड्स तैयार हो चुकी है। फिर से मैं यहाँ चलती हूँ, यहाँ चलने के बाद जो है अब यहाँ पे व्हाट्स न्यू अगर आप डालना चाहें या जो भी चीज आप डालना चाहें तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ से आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं।
आधार का एनरोलमेंट लेना है आपको, उसके डिपार्टमेंट्स की जानकारी चाहिए कि क्या क्या है उसके डिपार्टमेंट्स में, तो वो आप ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, नोटिसेस ले सकते हैं, टेबल वगैरह आप बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए स्टडी यूटिलिटीज दी हुई है, ये बना सकते हैं, हु इज हु, डेमोग्राफी, जो भी आपको मैप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चाहिए इस तरह से। जैसे मेरी ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जबलपुर का मैप है, अब यदि मैं चाहूँ तो इसको एज अ इमेज भी ले सकती हूँ। वैसे मैं स्निपिंग टूल यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो स्निपिंग टूल आप खोल लीजिए और इस तरह से उसको क्या कर लीजिए, सिलेक्ट करके उतना एरिया कॉपी और उसको एज अ इमेज सेव कर लीजिए गाइस। इस तरह से देखिए सेव एस पे जाइए, और मैंने इसको कैप्चर नाम से ही जबलपुर वाले फोल्डर में सेव कर दिया है। अब मुझे पावर पॉइंट में चाहिए तो मैं पावर पॉइंट में क्लिक करूंगी और इसके लेआउट को इस तरह से चेंज कर लूंगी, टाइटल ओनली कर लूंगी। अब मैं फिर से कहाँ चलती हूँ, इंसर्ट पिक्चर, मेरा ऑलरेडी सेव है ये कैप्चर नाम से, ये आगे मेरी इमेज। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के मैप के नाम से इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकती हूँ। इस तरह से फॉर्मेट से जाकर के मैं इसका फॉर्मेट वगैरह सेट कर सकती हूँ। इस तरह से आप देखिए बहुत ही इसका ब्राइटनेस वगैरह मुझे बढ़ाना है, रिमूव बैकग्राउंड, यदि मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है, ये तो ऑलरेडी व्हाइट है, इसको कोई कलर वगैरह में देना चाहूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट दे सकती हूँ। ये देखिए गाइस बहुत ही सुंदर तरीके से इमेज के बैकग्राउंड वगैरह सेट होते हैं 13 में, ये मैं 13 यूज कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप उसको रीसेट कर सकते हैं, पिक्चर का लेआउट यहाँ से भी आप बदल सकते हैं, पिक्चर के इफेक्ट्स बदल सकते हैं, जो भी चीज आप अप्लाई करना चाहें वो चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी बॉर्डर वगैरह अगर आपको चाहिए तो इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मैं आपको पावर पॉइंट के डिजाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन सारी चीजें बताऊंगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, और अगेन जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं।